पलीता गांव में आज भी होती है मेघनाथ बाबा की पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर पर। विदिशा जिले के तहसील पठारी के ग्राम पलीता में आज भी पूजे जाते हैं मेघनाथ। ग्राम के बुजुर्ग श्यामलाल ने बताया कि हमारे गांव में सर्वप्रथम पूजनीय है मेघनाथ बाबा। उन्होंने बताया कि ग्राम में कोई भी कार्य होता है या फिर कोई भी पूजा अनुष्ठान जो ग्राम में किया जाता है तो सर्वप्रथम गांव के नागरिक मेघनाथ बाबा के चबूतरे पर पहुंचकर सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा अर्चना कर अपना कार्य प्रारंभ किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पलीता में चार समाजों के लोग निवास करते हैं, जहां एक और पूरे भारत में दशहरे पर रावण एवं मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं ग्राम पलीता में ग्राम के सभी ग्रामवासी दशहरे पर भगवान मेघनाथ बाबा के चबूतरे पर आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। नागरिकों का पूर्ण विश्वास एवं आस्था भगवान मेघनाथ पर है, जिनसे नगर में कभी भी किसी भी पशुओं को कोई बीमारी हो जाती है तो वह भगवान मेघनाथ बाबा के चबूतरे से भभूति खिलाते हैं, जिससे पशु अच्छा हो जाता है एवं लोगों की मान्यते भी पूरी होती हैं। वहीं ग्राम के नागरिकों ने बताया कि ग्रामीणों ने एक बार भगवान मेघनाथ बाबा का स्थानांतरण कर मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया था, जिस पर नागरिकों ने मेघनाथ बाबा के चबूतरे को स्थानांतरण करने के लिए पूजा अर्चना कर खुदाई की, लेकिन मेघनाथ बाबा की थाई नहीं ले पाए, जिससे नागरिकों ने चबूतरे का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। चबूतरा आज भी वहीं पर मौजूद है। वहीं पर विनय कुमार बहादुर सिंह, विजय कुमार हरिकृष्ण रामबाबू ने बताया कि आज भी मेघनाथ बाबा के चबूतरे पर आकर जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूर्ण होती है, जिसके चलते नागरिकों का अटूट विश्वास और आस्था का केंद्र बना है। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं इस ग्राम पलीता में रहने वाला हूँ, और जहाँ तक देखा जाए तो मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं इनकी महिमा देखता आ रहा हूँ। अगर कोई भी कार्यक्रम हो या किसी प्रकार का उद्घाटन, कुछ भी कार्यक्रम हो, शुरुआत यहाँ से होती है। और जहाँ तक है ये बताते हैं कि मतलब ये दशहरे पर रावण को जलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इनको पूजा जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, पर्व हो, पहली पूजा इनके यहाँ से होती है, इनके यहाँ से होती है। और इसके बाद जो भी समस्याएँ हैं, हमारे यहाँ गाँव पर कोई भी समस्या नहीं आती। जो कोरोना देखा गया, लेकिन हमारे गांव में कोई भी कुछ नहीं हुआ, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हम शुरुआत यहीं से करते हैं। और अगर कोई अगर अन्य गांव से आता है तो अगर घर बनाते रहता है, लेकिन वो पहले यहां आना पड़ता है उसको। उसके बाद आसपास के श्रद्धालु भी बहुत आते हैं देखने, जानकारी लेने। किस नाम से प्रसिद्ध है? और ये प्रसिद्ध है मेघनाथ के नाम से, बहुत प्राचीन है ये। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत यही है कि सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है। हमारे गांव में इन्हीं को पूजा जाता है, शादी हो, विवाह, कुछ भी हो, सबसे पहले ये माना ये जाता है कि इनकी कभी किसी ने थाए नहीं ले पाई है। हाँ, ये सत्य है। जहाँ तक मेरी उम्र के हिसाब से मुझे तो ये अंदाजा नहीं, लेकिन सुना है कि अभी तक इन्होंने किसी को नाप नहीं पाया। इससे पहले कुछ गांव वालों ने चबूतरे को अच्छा बनाने के लिए किया था। इससे पहले गांव वालों ने सोचा बहुत और अच्छा बनाया जाए इसको, तो इसकी खुदाई की गई, लेकिन वो थाए नहीं ले पाए, नाप नहीं पाए, तो फिर बाद में ज्यों का त्यों कर दिया गया। गांव में पूजा या शादी विवाह राई भाग यहीं से होता है। यहाँ ना कोई बीमारी पड़ती है, ना ओले गिरते हैं। जो पूजा स्थान यहीं से होती है शुरुआत। दुनिया में जो लॉकडाउन में कछु भाव हमारी एक बाल माँ को भी नहीं, हमारे गांव में। हाँ, सिद्धि प्रताप है, मानते हैं सब गांव। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।